हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम, संस्कृत मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 4, पंचदश पाठ, 15वां पाठ, स्वर्ग फलम। स्वर्ग फल जानते हैं स्वर्ग फल क्या होता है बच्चों? एक कहानी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार एक दुष्ट बंदर ने स्वर्ग फल को प्राप्त किया। जानते हैं, एक श्रृंगाल था और एक बंदर था और एक हाथी। यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों की ही ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन वने नाना विधा पशवः पक्षिणः च अवसन। प्राचीन समय में, काल में, एक जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। तेषु एकः वानरः अति दुष्टः आसीत। उनमें से जो एक बंदर था वो बहुत दुष्ट था, बहुत दुष्ट था वो। सः अरण्यस्य जीवान् नित्यं पीड़यत। वह वन में रहने वाले जीवों को रोज परेशान करता था। एकदा तेन पीड़ितः एकः शृंगालः तम अवदत। एक बार उससे दुखी एक शृंगाल उससे बोला, तम शरीरम अतिशोभनम परम रक्त मुखम न शोभते। तुम्हारा शरीर तो बहुत सुंदर है परंतु तुम्हारा लाल मुंह अच्छा नहीं लगता। यदि तुम स्वर्ग फलस्य सेवनम करिष्यसि, यदि तुम स्वर्ग फल का सेवन कर लोगे, तरहि तव मुख गौरवर्णस्य भविष्यति, तो तुम्हारा मुंह गोरे रंग का हो जाएगा। क्या कहा श्रृंगाल ने कि तुम्हारा शरीर तो बहुत सुंदर है पर तुम्हारा मुंह लाल है, ये अच्छा नहीं लगता। अगर तुम स्वर्ग फल को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा मुंह गोरे रंग का, गौरवर्ण का हो जाएगा। कुतः प्राप्यते तत् स्वर्ग फलम, ये स्वर्ग फल कहाँ से प्राप्त होता है। इति वानरः अपृच्छत, ऐसा उस बंदर ने पूछा। श्रृंगाल अति चतुर आसीत, श्रृंगाल बहुत चालाक था। स अचिंत्यत, उसने सोचा, अहम एतम तथोपदेशम प्रयच्छामि येन अस्य मृत्यु भवेत। मैं इसको ऐसा उपदेश देता हूँ जिससे कि क्या हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए। स अवदत, उसने कहा, गजस्य मस्तके तत् फलम प्राप्यते, तुम हाथी के मस्तक से उस फल को प्राप्त कर सकते हो। एकदा एकः गजः गच्छन् आसीत, एक बार एक हाथी जा रहा था। तदा वानरः वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा गजस्य मस्तके फलाय प्रहारम् अकरोत्। एक बार जब वो हाथी जा रहा था तो उस बंदर ने क्या किया, पेड़ की शाखा पर बैठ गया और हाथी के मस्तक पर फल लेने के लिए, उस स्वर्ग को, स्वर्ग फल को प्राप्त करने के लिए प्रहार किया। क्रुद्धः गजः शुण्डेन गृहीत्वा तं वानरं भूये भूय भूतले तावत् न्यपातयत् यावत् सः मृत्युं न प्राप्नोत्। सूंड से इस प्रकार उस दुष्ट ने क्या किया, हाथी के माथे पर प्रहार किया। उस क्रोधित हाथी ने सूंड से पकड़कर उस बंदर को बार बार जमीन पर तब तक गिराया जब तक कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया। क्योंकि वो नाराज हो गया हाथी, उसने उसके पत्थर मारा माथे पर, सूंड से प्रहार किया उसके मस्तक पर, क्या लेने के लिए, यस, उसने स्वर्ग फल प्राप्त करने के लिए जैसा कि श्रृंगाल ने कहा था उसके माथे पर प्रहार किया, जिससे क्या हुआ, वो हाथी बहुत नाराज हो गया और उसने अपनी सूंड से उसको तब तक जमीन पर पटकता रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। क्योंकि बंदर ने किससे लिया था अपना पंगा, उसने ले लिया था हाथी से, और कहां बंदर और कहां हाथी। एवं सह दुष्ट है स्वर्ग फलम प्राप्तवान, इस प्रकार उस दुष्ट को स्वर्ग फल की प्राप्ति हुई। अब समझे आप कि स्वर्ग फल क्या था। अब उसको सच में ही स्वर्ग फल की प्राप्ति हो गई थी। वनस्य सर्वे पशु पक्षिण प्रसन्ना अभवन, वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी बहुत खुश हो गए। ते उचु, उन्होंने कहा, अनेन स्व दुष्टताया अनुरूपम फलम प्राप्तम, इस दुष्ट ने अपनी दुष्टता के अनुरूप ही इस फल को प्राप्त किया है। यानी कि इसने अपनी दुष्टता के अनुरूप, जैसा ये दुष्ट था इसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। तो बच्चों आपने जाना,
समझा कि बंदर कितना दुष्ट था और उसने क्या, जब उसने सोचा कि मेरा मुंह भी गोरा हो जाएगा, कैसे होगा, स्वर्ग का फल की प्राप्ति से होगा, कहाँ से मिलेगा, हाथी के मस्तक से मिलेगा, तो उसने क्या करा, हाथी के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे कि हाथी नाराज हो गया और उसने अपनी सूंड से बार बार उसको जमीन पर पटका और उसकी मृत्यु हो गई। सभी जन वन में रहने वाले पशु पक्षी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो तो उससे बहुत दुखी थे, वो दुष्ट बंदर था, तो इस प्रकार उसको स्वर्ग फल की प्राप्ति हुई। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं बच्चों। जैसे अवसन, अवसन रहते थे नाना विधा अनेक प्रकार के, दुष्ट दुष्ट, अरण्यस्य जंगल के, अपीड़ियत कष्ट देता था, प्रयच्छामी देता हूँ, एकदा एक बार, भूये भूये माने बार बार, शुंडेन सूंड से, ग्रहित्वा पकड़कर, न्यपातयत माने गिराया, प्रसन्ना खुश। तो पाठ में आए हुए हमने बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। पाठ में आया कुछ अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों। पहला हमारा अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वने के अवसन, वन में कौन रहते थे। आप प्रश्न के उत्तर हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि वने नाना विधा पशव पक्षिण अवसत, बहुत सारे अनेक प्रकार के पशु पक्षी वन में रहते थे। श्रृंगाले वानरम किम उपायम अवदत, श्रृंगाल ने बंदर को क्या उपाय बताया। उसने कहा श्रृंगाले अवदत तव शरीरम अतिशोभनस्य परम रक्त मुखम न शोभते, तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है पर तुम्हारा मुंह लाल अच्छा नहीं लगता। यदि त्वम स्वर्ग फलस्य सेवनम करिष्यसि तरहि तव मुखम गौरवर्णस्य भविष्यति, यदि तुम स्वर्ग फल का सेवन करोगे तो तुम्हारा मुंह गौरवर्ण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजय किमर्थम क्रुद्ध अभवत, हाथी क्यों क्रोधित हो गया। क्योंकि जब बंदर ने उसके मस्तक पर प्रहार किया फल प्राप्त के लिए, तब हाथी क्रोधित हो गया। गजस वृक्षस्य शाखायाम स्थित्वा वानरा गजस्य मस्तकम प्रहारम अकरोत ततः गजय क्रुद्ध अभवत, जब उसने प्रहार किया वानर ने तो हाथी क्रोधित हो गया। अंते वानरस्य का दशा अभवत, अंत में वानर की क्या दशा हुई। अंते वानर स्वर्ग फलम प्राप्तवान, अंत में बंदर ने स्वर्ग फल को प्राप्त किया और उसको उसके कर्मों का फल मिल गया था, जैसा उसने किया था उसको वैसा ही फल प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ही हमारी एक्सरसाइज है नंबर वन, एक है वानर अति दुष्ट आसीत, एक बंदर बहुत दुष्ट था, तब शरीरम अति शोभनम, अति शोभनम परम रक्त मुखम न शोभते, श्रृंगाल अपि चतुर आसीत, श्रृंगाल भी बहुत चतुर था। नेक्स्ट है अनेन स्वयं डैश फलम प्राप्तम, इससे तुम स्वर्ग फलम, स्वर्ग फल को प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति की। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर थ्री, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तीन विकल्प दिए हैं, तीन विकल्प में जो सही उत्तर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पशव की दृश्य शब्द अस्ति, पशव कौन सा शब्द है, उकारांत पुल्लिंग है या उकारांत पुल्लिंग है या अकारांत पुल्लिंग है, तो पशु पशु छोटा उकारांत पुल्लिंग है। दूसरा है अपीड़ियत इति क्रियापदम अस्ति, अपीड़ियत में क्रियापद क्या है, लंग लकारस्य लोट लकारस्य या विधिलिंग लकारस्य, तो इसमें अपीड़ियत है लंग लकार, भूतकाल में है ये। तीसरा है नेक्स्ट त्वा प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है, पठित है या प्राप्तवान है या स्थित्वा है, तो स्थित्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों संधि विच्छेद करिए, हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका संधि विच्छेद करना है, संधि विग्रह करना है। जैसे तेष्वपि, तो ये है तेषु प्लस अपि तेष्वपि। दूसरा है नैव, न प्लस एव नैव। तथोपदेशम तथा प्लस उपदेशम। मृत्योपरांतम, मृत्यु प्लस उपरांतम। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों का संधि विच्छेद किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज फाइव,
अर्थ लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं कुछ, इन शब्दों के हमें हिंदी अर्थ लिखने हैं। नित्यम रोज या प्रतिदिन, प्रयच्छामि लेता हूं, शोभनम सुंदर, अचिंत्यत सोचा, तरही मीन्स तो, प्राप्तम प्राप्त किया। हमने आए हुए शब्दों का अर्थ लिखा। नंबर 6 एक्सरसाइज है वाक्यों को बनाओ। ये जीवान, ग्रहित्वा, तरही, प्रयच्छामि, प्राप्तम, ये वाक्य आप अपने आप स्वयं बनाएंगे। अपनी होमवर्क कॉपी में इन शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाएंगे। रचनात्मक कार्य करना है आपको। सद दुर्व्यवहार हो कि मंत्रम इति विचार्य लिखित, किस अच्छा व्यवहार कैसा होता है इसके बारे में अपने विचार आपको लिखकर अपनी गृह कार्य कॉपी में करके दिखाने हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में बंदर और श्रृंगाल और हाथी की कहानी सुनी, किस प्रकार दुष्ट बंदर लोगों को, जानवरों को परेशान करता था और श्रृंगाल ने उसको मारने का क्या उपाय सोचा, और इस प्रकार वो बंदर उसने अपने ही कर्मों के अनुसार स्वर्ग फल को प्राप्त किया। पाठ में बच्चों आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।